नौवें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 6, 7 एवं 8 मई को दरभंगा फिल्म क्लब के द्वारा होने वाले नौवें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर मौजूद दरभंगा फिल्म क्लब के कार्यकारिणी सदस्य दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार ने फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने वाले फिल्मों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह चलचित्र उत्सव 6, 7 एवं 8 मई को चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा के प्रांगण में शाम के 4 बजे से आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर आलोक रंजन झा, मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के कल कमलों द्वारा किया जाएगा। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 28 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार देशी एवं विदेशी भाषाओं के विभिन्न फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें हिंदी, मैथिली, तमिल, ओडिया, बंगला, मलयाली, अंग्रेजी, मराठी, जर्मन, कजक, रशियन, हिब्रू, यिद्दीश आदि भाषाओं की चुनी हुई फिल्में रहेंगी। फिल्म का मतलब मात्र एक्टिंग ही नहीं होता है, फिल्म के विभिन्न क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं, जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। दरभंगा फिल्म के संस्थापक अध्यक्ष फेस्टिवल निदेशक मीराज सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे आयोजन से फिल्म के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए सीखने और जानकारियां प्राप्त करने का अवसर मिलता है, रोजगार के अवसर खुलते हैं। बाहर से फिल्मकार जब यहां आते हैं तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। फिल्म क्लब पिछले 8 सालों से जो है दरभंगा में दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हुए आई है। इस बार जो है ये इसका 9वां साल है और इस बार ये 6, 7 और 8 मई को जो है दरभंगा चंद्रधारी म्यूजियम में होने जा रहा है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार बिहार सरकार भी जो है हमें सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने जो है अपना वेन्यू जो है हमें दिया है। इसके साथ ही जो है हम यहाँ पे इस बार 28 फिल्में जो है दिखाने वाले हैं, जिसमें देश विदेश की फिल्मों के साथ जो है बॉलीवुड की और क्षेत्रीय फिल्में भी हैं, जिसमें जो है हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु की फिल्में हैं, साथ में जो हमारे यहाँ जर्मनी से भी फिल्में हैं, इटली से भी फिल्में हैं। पहले दिन जो है हम 8 फिल्में दिखाएंगे, दूसरे दिन जो है फिर 9 फिल्म और फिर अंतिम दिन जो है हम 10 फिल्म दिखाएंगे। इस तरह से जो है टोटल मिलाकर हम 28 फिल्में दिखाएंगे। कुछ और फिल्में भी ऐसी है जो अभी बहुत सारे लोग जो है आग्रह कर रहे हैं, हो सकता है वो फिल्म जो है अगर हमें लगेगा कि हमें दिखाना चाहिए, हमारे पास वक्त रहेगा, तो हम उसकी भी स्क्रीनिंग करेंगे। देखिए, इस तरह का महोत्सव करने का जो है पहला फायदा ये है कि यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे लोगों में कुछ काम करने का जज्बा तैयार होता है। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे दरभंगा से ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मिथिला क्षेत्र के हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया, आज जो है वो नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही पंकज झा हैं, क्रांति प्रकाश झा, जिन्होंने जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में जो है काम किया और बॉलीवुड में उनका अच्छा नाम है। दरभंगा से हमारे दुर्गेश चौधरी हैं, संजीव पूनम मिश्रा हैं, जो हमारे इस फेस्टिवल के ये प्रमोटर भी हैं, हमारा चेहरा है। उसके बाद है फिर संजय सिंह हैं और इस तरह से कई नाम, बहुत सारे नाम जो है गिनाए जा सकते हैं। तो हमारे क्षेत्रीय लोगों ने जो है जा करके बॉलीवुड में और इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा काम किया है, उससे जो है यहाँ फेस्टिवल करने से फिल्मों के लिए जो है जो काम करने का जज्बा है वो प्रोत्साहन बढ़ेगा और क्षेत्रीय स्तर पे जो है फिल्मों का प्रसारण बढ़ेगा, लोगों में जो है इस तरह से काम करने का जो एक बेहतरीन माहौल तैयार हो रहा है और 8 सालों में हुआ है। अभी जो है दरभंगा में भी कुछ सीरियल्स जो है फिल्में बनने लगी है। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव पिछले 8 सालों से तत्पर है इस क्षेत्र में फिल्म के विकास को लेकर के, और फिल्म के विकास की बात अगर हम करें तो वो तभी संभव है जब इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के आयोजन हम करेंगे जहाँ के सब एकजुट होते हैं, जहाँ बाहर से आए हुए फिल्मकार यहाँ के क्षेत्रीय फिल्मकारों के साथ उनका मिलन होता है, उनकी बातचीत होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो रोजगार की जो है अवसर वो पैदा होंगे। जब तक हम मिलेंगे नहीं, जब तक हम बाहर के कलाकारों के साथ हमारा मीटअप नहीं होगा, तब तक जो है रोजगार कहाँ से उपलब्ध होगा। तो यहाँ बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन उनको वहाँ बाहर पहुँचाने के लिए हम बाहर से कलाकारों को यहाँ लाते हैं, यहाँ मीटअप होता है, गेट टुगेदर होता है, और उस गेट टुगेदर में ये संभावनाएं बनती हैं कि यहाँ के कलाकार वहाँ के लोगों के साथ काम कर सके, वहाँ के फिल्मकार यहाँ के जो ब्यूटी है, यहाँ का जो खूबसूरती है दरभंगा का, उसको देखते हैं, यहाँ भी फिल्में आएंगी, शूट होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर का जो पैसा है वो हमारे दरभंगा में आएगा, हमारे बिहार में आएगा। ये आयोजन कहाँ होगा? ये आयोजन चंद्रधारी म्यूजियम के अंदर आयोजित किया जाएगा 6, 7 और 8।
क्या कोई टिकट का भी चार्ज रहेगा या? कोई टिकट नहीं है, ये सबके लिए फ्री है। कैसे बुकिंग करेंगे टिकट या कैसे लोग जाएंगे फिल्म देखने वहाँ? कोई भी आ सकते हैं फिल्म देखने, उसमें कोई भी ऐसा टिकट पास का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ जाएं, आपकी एक सिक्योरिटी चेक जो होता है वो होगा और उसके बाद आपको अंदर। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।